Okay then, so I think we should start then. So again, good noon everyone. We'll discuss let's see. हाँ, तो लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था सिनेरियो, लास्ट लेक्चर में हमने परसेंटेज के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी और उसको मैं एक बार ओवरव्यू दिखाना चाहता हूँ. ठीक है, ऑलरेडी आई गेस उसका ओवरव्यू दिखाता हूँ. ऑलरेडी मैंने एक बार बता दिया है, काफी सारी चीजें बता दी हैं. एक और ओवरव्यू हम डिस्कस कर लेते हैं उन सारी चीजों का जो हमने वहां पे डिस्कस किए हैं. क्लियर, लेट्स सी. तो अगर हम बात करें अभी जो हमने डिस्कस किया है वो मैं फिर से समराइज कर रहा हूँ. हम डिस्कस करना चाहते हैं इम्पैक्ट ऑफ परसेंटेज चेंज. हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ परसेंटेज चेंज. परसेंटेज चेंज का किसी भी चीज पे इम्पैक्ट क्या होता है, फिजिक्स में हम काफी डिस्कस करते हैं. तो हर बार देखना, वेन एवर देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ परसेंटेज चेंज, याद रखे दो सिनेरियो होते हैं. एक सिनेरियो होता है लेस देन 5% सिनेरियो. ये लेस देन 5% ये सेफ है. समटाइम्स समटाइम्स इन केस और मे बी अगर आपको चाहिए तो आप मैक्सिमम यूज कर सकते हैं 10%, बट एट योर ओन रिस्क. डिपेंड करेगा ऑप्शंस कैसे हैं. सपोज आंसर्स आर वेरी क्लोज, लाइक आंसर्स आर वेरी क्लोज, देन यू नीड टू डिसाइड कि ये यूज करना है या नहीं करना है. एंड देन सेकेंड सिनेरियो इज मोर देन, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, मोर देन 5% और 10%. मोर देन 5% लेट से है. तो दो सिनेरियोज हमें डिस्कस करने हैं. हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्या करना होता है अगर हमें 5% से कम है तो हम क्या यूज करते हैं. वी यूज एरर मेथड्स. वी यूज एरर मेथड्स. एरर मेथड्स क्या होते हैं. एरर मेथड्स होते हैं, देखिए अगर हम बात करें एरर मेथड्स क्या होते हैं. सो एरर मेथड्स होते हैं, सपोज एक्स एक फॉर्मूला है जिसका फॉर्मूला है ए बी स्क्वायर बाई सी. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, मैं फिर से एक बार थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ इस चीज को. सपोज एरर मेथड में एक्स इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई सी है और हमें चाहिए व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन एक्स. दैट मींस वी कैन आल्सो से इट व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन एक्स. सो एरर इन एक्स, द परसेंटेज एरर विल बी एरर ऑफ ए, परसेंटेज एरर ऑफ ए प्लस दिस पावर इज यूज एज अ मल्टीप्लायर. सो इट विल बिकम टू टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ बी. देन अगेन दिस डिवाइड इज नॉट सब्ट्रैक्टेड, इट इज ऑलवेज एडेड. देन इट इज परसेंटेज एरर ऑफ सी. सो यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस और ये बहुत ही बेटर रहेगा, बहुत ही ईजी मेथड होता है. नंबर टू, वेन एवर देर इज अ मोर देन 5% क्राइटेरिया. सो एवरी वन फोकस है, वेन एवर देर इज अ मोर देन 5% क्राइटेरिया. ओके, सम स्टूडेंट दिस गैलेक्सी जे टू हुएवर. फर्स्ट थिंग मैं फिर से बोल रहा हूँ, एवरी वन शुड रीनेम देमसेल्व्स. मीटिंग ज्वाइन होते ही सबसे पहला काम करना है रीनेम योर सेल्फ. जो भी पेरेंट्स या फिर मोबाइल या डिवाइसेस के नेम यूज कर रहे हैं तुरंत पार्टिसिपेंट सेक्शन में जाएं, उसमें ऑप्शन है अपने आप को रीनेम करें. कोई भी बाय द डिवाइस नेम आप क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आंसर नहीं करने वाला हूँ. ठीक है, दूसरी चीज कुछ स्टूडेंट्स हैं अभी आई गेस वो क्लियर होंगे. जैसे ही मीटिंग ज्वाइन करते हैं आप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको हेडफोन का सिंबल दिखता है, वो माइक ज्वाइनिंग का सिंबल होता है. सब लोग को पहले वो कंफर्म करना होता है. ओके, एक और ये स्टूडेंट है, पार्टिसिपेंट है, ये 1EL, ये कौन है इससे बात कर लेंगे एक मिनट. तो पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. हमारे पास सेक्शन था ये मोर देन 5% क्राइटेरिया जो था हमारे पास, कि अगर मोर देन 5% है तो उसमें हम स्टेप्स फॉलो करते हैं. एंड व्हाट आर दोज स्टेप्स, बहुत ही स्ट्रेट. सपोज मैंने एग्जांपल लिया था काइनेटिक एनर्जी का कि दैट इट इज हाफ एम वी स्क्वायर. तो हम फोकस करते हैं विच थिंग इज बीइंग चेंज्ड. सपोज वेलोसिटी इज चेंज्ड, सो इन दिस सिनेरियो वेलोसिटी इज चेंज्ड, सो वील फोकस ऑन के इज वी स्क्वायर, के प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर. मतलब हमें वी स्क्वायर पे टारगेट करना है. अच्छा, एरर मेथड क्या था कि पावर को हम यूज नहीं करते हैं, पावर को हम मल्टीप्लाई बाई वी करते हैं. बट पावर में ये जो टू है हम जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब 5% से ज्यादा होगा तो हम पावर को प्रॉपर यूज करते हैं, तो एज ए स्क्वायर यूज करेंगे. अब थॉट क्या है, सपोज मैंने वी को चेंज किया है एक 10%, तो इसका मतलब हम लिखेंगे व्हाट विल बी अवर न्यू वी. सो हम हर बार ये लिखते हैं कि ऑलवेज एनी वैल्यू इज
starting, in starting it is one. When we add up something, like we increase it, this up arrow shows increase in 10%. So 10% को point में convert करेंगे, it will become 0.1. That means percent को convert करने के लिए divide by 100 करते हैं हम, तो ये बन जाएगा 0.1. That means this value will become 1.1 times. अब हम 1.1 का square करते हैं यहाँ पर. तो पहले क्या होता था, पहले हम सीधा 10% है तो आंसर क्या कर देंगे 2 times, मतलब आंसर आता 20%. बट अभी देखना एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, 1.1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 121, which is 1.21. अब वो जो मैंने बताया था कि इनिशियली कोई भी वैल्यू होती है वो 1 होती है. सो अगर हमें ये फाइंड करना है व्हाट इज द चेंज. सर प्लीज कैन यू एक्सप्लेन अगेन, माय फोन गॉट डिस्कनेक्ट. हु इज दिस? शिव प्रसाद. यस सर. ओके ओके, आई विल एक्सप्लेन, वेट अ मिनट. सो इफ आई एम फाइंडिंग द चेंज देन आई विल सबट्रैक्ट दिस minus 1, it will become 0.21. clear? Who is this? A different name, very different name, 1EL. ye kon hai, rename kare apne aap ko, otherwise I'll be removing him. This 1E, very strange name, it is a long chain, it is, I think by web server or something else he is connecting. आंसर करें ये स्टूडेंट जो भी रिसेंट मोस्ट रिसेंट ज्वाइन हुआ है, 1EL समथिंग, अ वेरी डिफरेंट नेम. ओके वेट, आई विल एक्सप्लेन. आंसर करें यार, ये 1EL कौन है? ओके आई एम रिमूविंग हिम परमानेंटली. Okay, so let's see. We'll see it again. The smaller percentage and larger percent criteria. थोड़ा सा फिर से quick revise कर लेते हैं. यार impact of percentage change हम discuss कर रहे थे कि यार percentage change का impact क्या है. तो उसमें दो criteria होते हैं, either the percent change will be less than 5% or it is more than 5%. In the case of less than 5%, we use error method. What are the error method? In the error method, we never use the power as a multiplier. Clear? तो मतलब power square है तो square नहीं करना, we use it as a coefficient, मतलब 2 का multiply करना है. तो अगर मैं percentage change in x discuss कर रहा हूँ, so it will be percentage change in a, then we won't square the b, we will multiply it 2 times, the percent of b and percent of c, because it is in denominator, it won't be like negative, all the errors are added always. Then हमने क्राइटेरिया एक सीखा, मोर देन 5% का क्राइटेरिया. सो व्हाट इज इट, मोर देन 5% क्राइटेरिया. मोर देन 5% क्राइटेरिया में हम फॉर्मूले फोकस करते हैं. फॉर्मूले में विच वैल्यू इज वेरिएबल, सपोज इन द क्वेश्चन गिवन द वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड बाय 10%. हैज शोन वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड बाय 10%, इट मींस दैट काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर. सो इट इज वी स्क्वायर, then we must decide how to write this v 10% in the logical format of point. clear? to matlab humne kya assume kiya hai ki always the reference value for any quantity is 1. then when it is increased by 10%, so we'll convert it into point. so point means isko divide kya karna padega, divide by 100. so divide by 100 it will become 0.1. then we'll add up, because this is increased to the 1, so we'll add up this value and it will become 1.1. अब ये जो फाइनल वैल्यू है, द न्यू वैल्यू ऑफ वी विल कीप दिस एरर इन द वी स्क्वायर फॉर्मेट. तो 1.1 का स्क्वायर आया किया, हमारी वैल्यू कितनी आ गई, इट इज 1.21. और फिर मैंने बताया कि व्हेन वी वांट टू नोटिस द चेंज, तो वो जो हमारी बेस वैल्यू थी 1, दैट मस्ट बी सबट्रैक्टेड अगेन. तो वो 1 हमने सबट्रैक्ट किया एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ 0.21. ये है चेंज. फिर मैंने बताया दिस इज अ पॉइंट वैल्यू, अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है प्रॉपर, तो कन्वर्ट करके फिर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, कन्वर्ट करके 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू परसेंटेज में आ जाएगी कितनी, 21. सो वी कैन से कि ये वैल्यू 21% चेंज होगी. और अगर हम इसी क्वेश्चन को एरर मेथड से करते तो आंसर क्या आ जाता, 10 का 2 टाइम्स 20 आ जाता डायरेक्टली. तो वो चीजें हमें थोड़ी सी ध्यान देनी है एरर का.
तो ये पूरा सिनेरियो यार डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी, दो दो बार डिस्कस हो चुका है। जो भी स्टूडेंट्स बहुत न्यू हैं, नंबर वन वो हमारे प्रीवियस लेक्चर से एक बार रिव्यू कर ले, अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आता है मैंने बताया है ग्रुप पे हमने एक गूगल फॉर्म डाला हुआ है, आप उस पर अपना फीडबैक लिखे आपने कितने लेक्चर्स मिस किए या आपके कैसे लेक्चर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उनका फिर से एक कुछ रीक्लास उनका रिवीजन क्लासेस हम कर लेंगे, अटेंड करवा देंगे। क्लियर? तो अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपना कंटिन्यूस पार्ट जो हमने डिस्कस किया हुआ था कि चेंज को कैसे हमें डिस्कस करना है, कैसे प्रोसीड करना है चीजों में। तो मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा सारी चीजों को प्रॉपरली क्लियर करते हुए। देखिए तो इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 5%, व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वी एज वी नो दिस इज द 5%, सो फर्स्ट थिंग वी विल राइट द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा अब सीधा तरीका है, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है क्या, कि बिकॉज दिस इज अ वेरी लेस परसेंट सो वील डायरेक्ट विल नॉट स्क्वायर इट, विल मल्टीप्लाई इट विद 2, सो आंसर क्या हो जाएगा 10%। क्लियर? दैट इज कॉल्ड एरर मेथड, वो हमने अभी डिस्कस किया। तो सपोज क्वेश्चन 5% से ज्यादा का दे दिया है, तो अभी हमने एक क्वेश्चन हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया सेम क्वेश्चन, फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हेन द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 50%। सो ये सारा रिवीजन वाला पार्ट है, इसलिए आई विल बी अ लिटिल क्विक इन दिस। तो हाफ एम वी स्क्वायर, हमने पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, हमने बोला दैट काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी ओनली, वेलोसिटी का स्क्वायर नॉट ऑन द मास। अब हमने बात की 50% इंक्रीज, सो 50% को वील कन्वर्ट इट इनटू दिस पॉइंट, सो इट विल बिकम 0.5, देन वील ऐड अप विद द 1, सो इट विल बिकम 1.5। तो बहुत सिंपल सी फीलिंग वाली बात है कि यार कोई चीज एक्स है, वो एक्स है, अगर मैंने इसे 3 times कर दिया तो ये 3x हो जाएगा। उसको कहने का एक डिफरेंट तरीका है कि मैंने इसे 200% इंक्रीज कर दिया, तो 100% मींस एक्स इंक्रीज किया, 200% मतलब 2x इंक्रीज कर दिया, सो इट विल बिकम 3x। सो लाइक वी गॉट दिस वैल्यू 1.5, अब हमने 1.5 रख के क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया उसका, सो वैल्यू आ गई कितनी, 2.25। ओके श्रुति, यू हैव एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन रेज हैंड, यू कैन यूज द ऑप्शन रेज हैंड, इट विल शो अ नोटिफिकेशन टू मी। ओके सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। तो 1.5 का अगर हम स्क्वायर करें तो ये क्या हो जाएगा, 2.25, 1.5 का स्क्वायर, और 2.25 में फिर से मैंने वही बताया कि हमारी एक जो ओरिजिनल वैल्यू है 1, वो अभी वहां पर है, 1 वहां पर है, तो 1 रिमूव करेंगे वी विल गेट दिस 1.25, और उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बिकम 125। डन, सो इट विल बिकम 125। सो अगर हम इसमें अपना बेसिक रूल लगा देते क्या पावर को मल्टीप्लाई करने का, तो आंसर आ जाता क्या 100%, बट वो गलत होता ना, तो करेक्ट आंसर विल बी 125%। तो वो क्लियर होना चाहिए आप लोग को कि क्या करना है। डन, विल सी वन मोर एग्जाम्पल, आप सब लोग ध्यान देना अच्छे से। एग्जाम्पल, फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इफ इट्स स्पीड इज डबल्ड। तो डबल का मीनिंग क्या है, डबल हो गई मतलब 2v हो गई, तो बेटा इंक्रीज कितना हुआ, 1 times इंक्रीज हुआ ना। क्लियर? तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि इफ इट इज डबल्ड और इंक्रीज्ड बाय 100%, तो मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब v की वैल्यू पहले थी 1, नाउ इंक्रीज्ड अगर हम बात करें, सो इट इज इंक्रीज्ड बाय 100%, 100% मींस कि v न्यू जो हुआ है वो क्या हो गया है, इट हैज बिकम 2v। क्लियर? मतलब 2 times हो गया है, तो पहले 1 था अगर, तो अभी क्या हो गया है, अभी 2 हो गया है। अब हम हाफ एम वी स्क्वायर में वैल्यू रख देंगे, हाफ एम वी स्क्वायर में वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, v मतलब क्या है 2, 2 का स्क्वायर मतलब कितना 4, बट मैंने दिस इज द टोटल वैल्यू, दिस इज द न्यू वैल्यू, बट इन क्वेश्चन इट इज आस्क्ड द चेंज, सो फॉर चेंज हम क्या करते हैं, अपना जो 1 है वो रिमूव कर लेते हैं, तो बचेगा कितना, बचेगा 3, और 3 बचेगा, इट मींस बाय चेंजिंग इट इन परसेंट विल मल्टीप्लाई विद द 100, इट विल बिकम 300%। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आई एम डिस्कसिंग अगेन एंड अगेन, सो दैट इट विल बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। देन अब आते हैं मेन पॉइंट क्वेश्चन में, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन जिसमें हम गलती कर देते हैं। फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इफ द स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय 50%। कुछ स्टूडेंट 50% को इतना अच्छे से सॉल्व करने लगते हैं कि वो नोटिस नहीं करते इट इज डिक्रीज्ड, मतलब v इनिशियल
अगर हम बात करें तो इनिशियल क्या है, हमने बताया एज्यूम इट वन. नाउ द क्वेश्चन इज इट इज डिक्रीज्ड बाय 50%. सो 50% मींस इट इज 0.5. सो 100 का डिवाइड करते हैं, बट याद रखें इट इज डिक्रीज, दैट मींस फॉर योर न्यू वैल्यू. डिक्रीज मतलब माइनस करना पड़ेगा ना, हर बार थोड़े ना प्लस करते रहेंगे. इफ इट इज इंक्रीज देन यू विल हेड अप, अगर डिक्रीज किया है देन इट विल बी माइनस. तो कितना है 0.5. अब 0.5 का स्क्वायर रखो, 0.5 का स्क्वायर कितना आएगा 0.25. अब मेन लॉजिक क्या, वील सब्ट्रैक्ट अवर ओरिजिनल वैल्यू टू इट. सो अगर 2.5 से हमने ओरिजिनल वैल्यू अपनी 1 हटा दी, सो व्हाट वी विल गेट नेगेटिव 0.75, और उससे 100 का मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा नेगेटिव 75%. दिस नेगेटिव शोज डिक्रीज, सो द आंसर विल बी 75% डिक्रीज. डाउन एरो शोज द डिक्रीज. तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर इंक्रीज था तो एड अप करना है, और डिक्रीज है तो रिमूव करना है. ये सेम पार्ट हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है. तो हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन देख रहे हैं कि कैसे चीजों को हम लगा सकते हैं. क्लियर? तो इस तरीके से हमें चीजों को ध्यान देना है कि हम एरर मेथड का अपना यूज कर सकते हैं, उसमें वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर जो आएगा वो सेम आ जाएगा. क्लियर? ओके, लेट्स सी, ये एक एग्जांपल देखते हैं, ध्यान देंगे सब लोग. फाइंड द एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ स्मॉल जी, दिस इज स्मॉल जी, बाय सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट वेयर एरर इन द टाइम पीरियड इज 4% एंड एरर इन द लेंथ इज 2%. सबको पता है नोटिस क्या हो करना होता है, ये कि यार टाइम पीरियड में एरर इतनी है और लेंथ में एरर इतनी है. नाउ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए यार, मेन फॉर्मूला क्या होता है. तो अगर मैं मेन फॉर्मूला की बात करूं तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/g. अब हमें यहां से जी निकालना है क्योंकि उसने बोला है कि द जी इज बीइंग कैलकुलेटेड बाय द सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट. तो हमें जी चाहिए, तो क्या करें यार, स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये जो 2π है नीचे डिवाइड में आएगा स्क्वायर होके, 4π r² = L/g. तो फाइनली जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर सॉल्व करें तो जी इज इक्वल टू आ जाएगा ये 4π इधर मल्टीप्लाई पे होगा टी स्क्वायर अपॉन पे आएगा, ये पैटर्न हमारे पास आ जाएगा जी का. अब हमें चाहिए कि जी का अगर हमारे पास फॉर्मूला आ गया है तो हमें क्या करना है. तो देखो दीज परसेंट आर स्मॉल, मैं बार बार बोल रहा हूँ दीज परसेंट आर स्मॉल, अगर स्मॉल है तो पावर हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. तो बताओ यहाँ से क्या लिखेंगे, 4π हैज नो यूज. मैं यहाँ पे फिर बोल रहा हूँ दिस 4π² इट इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, इट हैज नो यूज. फर्क सिर्फ किसका आएगा, परसेंटेज ऑफ जी विल बी एल एफ लेंथ 8% ऑफ लेंथ प्लस ये टी स्क्वायर है. सो स्क्वायर करना नहीं है अभी हमें, पावर मल्टीप्लाई करना है, सो इट विल बी 2 times ऑफ परसेंटेज ऑफ टी. क्लियर? सो दैट्स हाउ वी डिस्कस दिस फॉर्मूला की एरर का मेथड कैसे यूज करना है. Does someone have doubt? No, sir. Okay. We'll go forward. So, what is the percentage error in the G? It is 10%. Yes. For the L, it is 2%. Then, 2 into in time, it is 4%. So, we got this 10%. So, this is our final answer. Ki error kitna ho jayega. So, is tarike se hum cheezon mein error nikal sakte hain calculation karke. Dekhe. अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन रीड करें सब लोग. अच्छा, ये जो मैं क्वेश्चन आपको सिखा रहा होता हूँ ड्यूरिंग द क्लासरूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस शीट करोगे, मैंने बताया है आज इवनिंग तक मैं ग्रुप पे प्रैक्टिस शीट डाल दूंगा, तो जब आप प्रैक्टिस शीट सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलती है. ये सारे क्वेश्चन जो मैं कॉन्सेप्ट के फॉर्मेट में बता रहा हूँ वो सब वहाँ पर बहुत ही यूजफुल होते हैं. एक और बात, जो मैं प्रैक्टिस शीट डालूंगा उसमें स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन होंगे यूनिट से रिलेटेड, स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन है यूनिट से रिलेटेड. तो मैंने पहले बताया कि यार यूनिट्स आपका नॉलेज चेक करते हैं, मतलब नॉलेज चेक करते हैं, मतलब सपोज मैंने बोला कि बताओ यार डिस्टेंस का यूनिट क्या है, तो आपने बताया सर मीटर किलोमीटर और ये सब. मैंने पूछा और हायर यूनिट्स बताओ, तो हायर यूनिट्स क्या है, कोई बता सकता है डिस्टेंस का बहुत ही हायर यूनिट्स. डिस्टेंस मेगामीटर, गीगामीटर, मेगा, गीगा, पेरा, एक्सा, ये सब हो गए. इसके बाद इनसे भी हायर लाइट ईयर,
years, उससे भी higher. Okay, good. ठीक है, light year highest है, but उससे भी थोड़ा सा higher है parsec. Clear? तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है जो आप गूगल पे भी सर्च करके आप कर सकते हो. डन. तो इतना टेंशन में नहीं आ जाना है फर्स्ट 20 क्वेश्चंस को देख के. फर्स्ट 20 क्वेश्चन ऑफ द शीट विल बी योर नॉलेज बेस्ड. तो वो डिपेंड करेगा, अगर मैं जब डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में शीट, तो मैं वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा. बट स्टार्टिंग में आपको बहुत कंफ्यूज नहीं होना. आपको चाहिए, समझ में आ रहा है तो करना है, अदरवाइज आप उसको लीव कर सकते हैं. मैं ड्यूरिंग द डिस्कशन आपको सारी चीजें बताऊंगा कि पार्सेक क्या है, ये किससे रिलेटेड है, या फिर आप थोड़ा सा गूगल भी यूज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. डन. चले वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन में. तो जो क्लासरूम नोट्स के क्वेश्चन है वो थोड़े से आपको ध्यान देने हैं अच्छे से. लेट्स सी. सो द क्वेश्चन इज फाइंड द एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द पार्टिकल व्हिच हैज 2% एरर इन मोमेंटम. क्लियर. एंड मास हैज नो एरर. तो देखना क्या गिवन है. गिवन है पी. मोमेंटम को हम किससे लिखते हैं? पी. एंड पी का फॉर्मूला क्या होता है? एम इनटू वी. ये क्या चीज है बेटा? ये है मोमेंटम. सो मोमेंटम में कितनी की एरर है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है 2% की एरर. अच्छा, क्वेश्चन है कि मास में कोई एरर है क्या? नो एरर. मतलब मास की हमें कोई टेंशन नहीं है, मास में कोई एरर नहीं है, तो सिर्फ मोमेंटम ढूंढ के लाना है. अच्छा ये बताओ यार, अगर मोमेंटम में मास की एरर नहीं है तो किस चीज की एरर हो रही होगी? स्पीड की एरर हो रही होगी. वी की. वेरी गुड. तो यार एक चीज कुछ लोग सोचते हैं, यहाँ पे सब ध्यान देंगे, यार काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एमवी स्क्वायर. तो कुछ लोग सोचते हैं सर इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, हाफ एम इंटू वी इंटू वी लिख देते. ठीक है, एम इंटू वी इंटू वी लिख देते हैं अगर, तो उससे क्या सिचुएशन होगी? एम इंटू वी लिखने से एम इंटू वी को हम क्या लिख सकते हैं? पी. पी इंटू वी. अब कुछ लोग बोल देते हैं सर काइनेटिक एनर्जी का जो एरर है या चेंज है वो क्या हो जाएगा? सर पी के जितना, क्योंकि डायरेक्टली डिपेंडेंट है. बट एक चीज आप मिस कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या है? वो है कि ये वी, ये वी अगर आप ध्यान दो, ये जो आपका वी है वो वी क्या है? वी वेरिएबल है, बिकॉज मोमेंटम में यहाँ पर मास में कोई एरर नहीं है. दैट मींस मोमेंटम की एरर डायरेक्टली किससे लिंक है? स्पीड से लिंक है. तो आप ऐसे वी को छोड़ नहीं सकते हैं. सो इन दैट सिनेरियो मैं काइनेटिक एनर्जी का एक नया फॉर्मूला आप लोग को बताता हूं जो आपको याद रखना है. हाफ एम वी स्क्वायर आई गेस सबको याद होगा. हम क्या करते हैं इसमें एम का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, तो ये बन जाता है हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई एम. मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये जो ऊपर का एम और वी है उसे हम लिखेंगे पी. So, ये हो गया बेटा पी स्क्वायर अपॉन एम. तो ये जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ये भी हम याद रखते हैं. क्या है फॉर्मूला? पी स्क्वायर बाई टू एम. तो हमेशा एग्जाम में ध्यान देना कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है. क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अगर काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? पी स्क्वायर बाई टू एम. अगर और अगर स्पीड के टर्म्स में पूछा गया है तो इट इज हाफ एम वी स्क्वायर. तो हमेशा ध्यान देना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. तो अभी हमें पता चला कि क्या यूज करना है, पी स्क्वायर बाई टू एम यूज करना है. तो अभी हम यहाँ से देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला. काइनेटिक एनर्जी इज पी स्क्वायर बाई टू एम. सब लोग याद रखो यार, एक फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर और दूसरा मोमेंटम के टर्म्स में होता है पी स्क्वायर बाई टू एम. आगे बहुत यूज होता है यार फिजिक्स में ये फॉर्मूला. डन. सो काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या हो जाएगा यार? एम में चेंज हो नहीं रहा, और बिकॉज द परसेंट इज लेस इट इज 2% एयर. तो अगर बहुत ही लेस है परसेंट तो हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज ऑफ पी. सो द आंसर विल बी 4%. सो 4% आंसर होगा. तो इस क्राइटेरिया में यार हम वही बातें बार बार देख रहे हैं कि कैसे एरर के पावर को आपको मल्टीप्लाई करना है, यूज करना है, वो चीजें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है. क्लियर. चले तो अब एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही बेस्ट सा एग्जांपल है और चीज़ों को मिक्स करके डिस्कस करना है, तो मतलब एकदम हाई क्वालिटी एग्जांपल है. इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो स्टूडेंट्स न्यू भी हैं उनको भी क्लियर हो जाएंगे कि यार किस तरीके से हमें चीज़ों को यूज करना होता है, एप्लीकेशन कैसे करना है फिजिक्स में, वो आपको पता चलेगा. सपोज दो रेजिस्टेंस हैं, दीज आर गिवन लाइक 50 ± 1 ओम. सो द फर्स्ट वैल्यू इज 50 ± 1 ओम. And the second value is R2, it is 100
प्लस माइनस टू, सो 100 प्लस माइनस टू ये गिवन है ओम। अब क्वेश्चन है कि फाइंड द एरर इन द कॉम्बिनेशन, नंबर वन फाइंड एरर 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 इन कॉम्बिनेशन व्हेन, नंबर ए इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड नंबर टू इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन बोथ केस आपको आंसर लिखना है, क्लियर? तो मुझे लगता है सबको सीरीज पैरेलल अभी सब लोग ऑफ कोर्स क्लास टेंथ पास आउट हैं, मतलब हाँ रिजल्ट तो नहीं आया बट ठीक है, लेट्स से सब लोग पास हो गए हो। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि आर इक्विवेलेंट कैसे आता है, वो आता है आर वन प्लस आर टू से, डन। एंड इन द पैरेलल केस इट इज वन बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू। सो इसको और अच्छे मैनर में लिखें तो हम सॉल्व करके लिख देते हैं आर इक्विवेलेंट, दोनों का एलसीएम लेके मैंने फ्लिप कर दिया तो आंसर आता है आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। ये दो तरीके हैं, तो हमें अब इनकी एरर लिखनी है। तो ये क्वेश्चन कहाँ पे चला गया, एरर इन कॉम्बिनेशन। तो एरर इन कॉम्बिनेशन में मैंने कितने रूल बताए हैं, दो रूल बताए हैं, मैं वो रूल लिख देता हूँ। रूल नंबर वन, रूल नंबर वन किसके लिए, प्लस और माइनस के लिए। रूल नंबर वन है प्लस और माइनस के लिए। रूल नंबर टू है किसके लिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए। ये दो रूल्स हैं। तो देखें पहले में तो यार प्लस वाला रूल है, प्लस वाले रूल में क्या सिखाया था दैट द एक्चुअल एरर आर एडेड डायरेक्टली, और मल्टीप्लाई और इसमें डिवाइड में क्या बताया था परसेंटेज एरर आर एडेड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोनों रूल में मैंने क्या बताया था, इसमें बताया था एब्सोल्यूट एरर आर एडेड, इसमें बताया था एब्सोल्यूट एरर आर एडेड, और इसमें बताया था परसेंटेज एरर आर एडेड। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, नंबर वन रियल वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम निकालेंगे ए पार्ट जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो रियल वैल्यू, तो रियल वैल्यू आर इक्विवेलेंट की कितनी हो जाएगी 50 प्लस 100, कितना आंसर आया 150। नाउ एरर, तो क्या लिखा है मैंने, इन द केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या पता होती है हमें, एब्सोल्यूट एरर पता होती है। तो एब्सोल्यूट एरर देखें यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है 1, यहाँ कितनी है 2, 3 ओम, तो 3, गुड। तो अगर हम एरर की बात करें तो हमें क्या पता होती है, डायरेक्टली डेल्टा आर पता होती है, वो होती है 1 प्लस 2, कितना हो जाएगा 3। तो अवर आंसर विल लुक लाइक 150 प्लस माइनस 3 ओम, ये हो जाएगा हमारा आंसर इन द केस ऑफ दिस पैरेलल। पैरेलल में अब हमें निकालना इंपॉर्टेंट है। तो सीरीज वाज इजी, सीरीज में कुछ ज्यादा टेंशन नहीं है, मेन टारगेट है पैरेलल का। सो आई वांट टू आंसर एवरीवन, ट्राई करें और पैरेलल का आंसर मुझे निकाल के बताएं हाउ यू विल फाइंड दिस। अच्छा एक चीज तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, क्या रियल वैल्यू मैं सॉल्व कर देता हूँ। रियल वैल्यू क्या है, आर वन आर टू, दैट मीन्स रियल वैल्यू इज 50 इंटू 100 अपॉन 50 प्लस 100, दैट इज 150। सो रियल वैल्यू विल बिकम 100 बाई 3। रियल वैल्यू इज क्लियर। आई वॉन्ट टू फाइंड द डेल्टा आर, एवरी वन ट्राई टू फाइंड द एरर इन इट एंड देन आंसर, आंसर इन द चैट बॉक्स, लेट्स सी हुज एरर इज करेक्ट। आई डोंट वॉन्ट द आंसर इन द टर्म्स ऑफ परसेंट, आई वॉन्ट इन द टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, आई वॉन्ट द एरर इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। ओके गुड समरजीत, बट दैट्स नॉट अ करेक्ट आंसर। रीचेक अगेन, रीचेक अगेन।
Not correct, not correct. Nobody has given the correct answer yet. I'll show the question again. I'll show the values. R1 और R2 की ये values हैं, देख ले. R1, R2 की values यहाँ पर हैं, देख ले. Everyone notice these are the two values of R1 and R2. I need the answer in number format, not the percent error. Some of the students are still giving it in the percent format. I need the answer, the actual answer. Okay, I guess most of the students are getting 2 by 3. So let me check whether it is a correct or not. As of now, I think it is not correct, but let's see, because most of the students are getting 2 by 3. So I'll recheck again. Done. So first, we have this value. First thing, I got like so many answers with 2 by 3. Let's see how you are getting 2 by 3. We'll check. तो देखिए अब ठीक है भैया आंसर करना बंद करें सब लोग. विल चेक की वैल्यू क्या है. तो वी हैव दिस आर इक्विवेलेंट, हमारे पास रियल वैल्यू हमने सॉल्व करके रख ली है. ऑल आई नीड इज टू ब्रेक आवर फार्मूला आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू. नाउ द प्रॉब्लम इज कि इट इज वेदर मल्टीप्लायर फार्मूला और इट इज सब्ट्रैक्शन फार्मूला. तो बहुत सिंपल है यार, मल्टीप्लायर फार्मूला है ये. कैसे, एक है आर वन मल्टीप्लाइड बाई आर टू divide by a whole number. This is a number, so if you are confused you can consider it as some x. Then so in the case of addition, what we know, we know directly delta x. In the case of addition we directly know delta x. Ab hame error likhni hai to kya ho jayega, percentage error of r equivalent will be percentage of R1 plus percentage of R2 plus this, not R1 plus R2, ये हमने assume किया है it is percentage of X. अच्छा तो how we calculate R1 plus R2, ये हमारा एक criteria होना चाहिए, पहले से हमें solve करके रखना है. तो मैंने क्या बताया कि when in the case of addition, अभी हमने थोड़ी देर पहले solve किया था, कैसे निकालते हैं X, directly निकालते हैं delta X. So delta X is delta R1 plus delta R2. What is the error in both? So in that scenario, we'll get this 1 plus 2, which is 3. So delta X, we got the 3. But remember, this is not the percentage. Ye jo 3 hai, wo percentage nahi hai. Percentage kaise nikalenge? Percentage pata hai na? Percentage kaise nikalte? Percentage nikalte hai delta X by X. Sab log ko ye pata hona chahiye how to calculate percent. The simple manner is, आपका जो चेंज है, चेंज जिसको आप परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हो, सो इन माय सिनेरियो इट इज दिस चेंज इज 3. सो इन माय सिनेरियो ये वैल्यू है 3 और ओरिजिनल वैल्यू जो एक्स की है वो क्या है, आर वन प्लस आर टू. सो वी आर वन प्लस आर टू इट इज 150. सो आर वन प्लस आर टू चाहिए तो यार थोड़ा सा यहाँ पे लिख के रख लेते हैं ये अपने आर वन और आर टू जो है. तो ये थोड़ा सा आप लोग को देखना है कि ये अपने जो R1 और R2 हैं, इसको अपन उठा के यहाँ पे रख लेते हैं, बेटर रहेगा. ठीक है, देखें तो ये हमारे R1 जो R2 हैं और ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं. तो ये वैल्यू हमारी कितनी है, R1 प्लस R2 की टोटल है 150. सो ये जो दो वैल्यूज हैं 50 एंड दिस 100, सो इट विल मेक 150. अभी इंटू 100 भी कराना पड़ेगा तब परसेंटेज आएगा. क्लियर. सो ये फाइनल परसेंट कितना है, इनटू 100 करा के देखें हम. सो 3/150 इट इज 52%. डन. अभी सॉल्व कर दें सबकी परसेंटेज एरर. तो मतलब इस क्वेश्चन का क्रक्स पॉइंट जो था, दैट क्रक्स पॉइंट वाज आर वन प्लस आर टू का आपको एरर अच्छे से निकाल के रख लेना था. तो नाउ द परसेंटेज एरर इन आर इक्विवेलेंट विल बी परसेंटेज एरर इन आर वन. कैसे निकालते हैं परसेंटेज एरर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, चेंज इन आर वन अपॉन आर वन into 100. This is a simple method to find this error. So, कितना हो जाएगा ये? 4%. R1, it is R1 की error है 1.
सो 1 डिवाइडेड बाय 50 इनटू 100 2% तो ये भी सॉल्व होके कितना आया 2% डन नाउ वी विल सॉल्व फॉर द r2 सो फॉर r2 2% विल हैपन 2% वेरी गुड सो इट इज 2 बाय 100 इनटू 100 सो इट विल अगेन कम 2% एंड द थर्ड वन इज आवर x एंड वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस x एज अ 2% 6% टाइम 6% some six. Student gave 6% I guess some student gave whose answer was 6% I saw in the chat box whose answer was 6% sir mera okay Arya aapka answer tha 6% very good but I was asking the answer in terms of value delta to ye to bahut sabse simple part tha kya tha hame 6% nikalna hai kiska r equivalent ka so we have this r equivalent here 100 by 3 so this will 2 be aega, 2 100 by 3 ka 6% nikal do so into 6 by 100 so matlab kya aa jayega 2 so final answer will look like the final answer for parallel question so the final answer will look 100 by 3 bahut logo ne likha plus minus 2 ye 2 by 3 bahut log ka aa raha tha answer final aa raha hai hamara 2 तो मुझे लगता है सबको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने ये सिनेरियो डिस्कस किया हुआ है तो मैंने पहले ही बताया था कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक न्यू क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए डन चाहिए तो एक बार देख सकते हैं फिर से हम सारी चीजों को क्लियर फिर से देख लेंगे हमें क्वेश्चन में गिवन था आर वन और आर टू की वैल्यू ये और हमें उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना था अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम क्या है कि पैरेलल का जब हम डेल्टा आर निकालते हैं तो आता है आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि हमने तो लॉजिक बनाया था किसके लिए इधर ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए एब्सोल्यूट निकालना या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए परसेंटेज तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई डिवाइड का लॉजिक है बट आर वन प्लस आर टू डायरेक्ट लिखा हुआ है तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे उसे एक सेपरेट एंटिटी मान लेंगे क्या एक्स और हम उस एक्स की तरह वहां पर सॉल्व करेंगे तो उसको हमने एज एक्स सॉल्व करके अलग से निकाल लिया और बाकी की एरर भी हमने रख दी तो किसी को कुछ डाउट है इस सिनेरियो में तो बता सकते हैं पूछ सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में किसी को डाउट है कुछ नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे तो नेक्स्ट सेटअप हमारा यही है कि एरर के बारे में हमने जो दो तीन चीजें डिस्कस की हैं प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है एक बार जो भी न्यू स्टूडेंट है वो प्रीवियस लेक्चर एक बार रिव्यू कर ले उसके बाद भी कुछ डाउट है मैंने बताया गूगल फॉर्म फिल कर दें और उसमें जो भी अपना डिटेल डालेंगे उसके अकॉर्डिंग हम उनको अप्रोच करेंगे जो भी डिपेंडेंसी होगी डन तो अब हमारे पास ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है इस चैप्टर में अगर हम देखें तो हमने काफी सारी चीजें देखी हैं मैं चैप्टर का टारगेट आपको इनलिस्ट कर रहा हूँ कि हमने इस चैप्टर पे क्या क्या चीजें देखी है और लास्ट क्या पार्ट बचा हुआ है तो अगर हम सबसे पहले देखें तो इस चैप्टर पे हमने फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट्स से रिलेटेड चीजें देखी थी यूनिट्स मैंने यूनिट्स में बहुत ज्यादा बुकिश चीजें नहीं बताई हैं आपको क्योंकि वो आप जस्ट किसी भी बुक में और किसी में भी नॉलेज बेस्ड लर्निंग देख सकते हैं कम्पिटेटिव एग्जाम में ज्यादा बुकिश चीजें नहीं पूछी जाती हैं बहुत ज्यादा लॉजिकल चीजें पूछी जाती हैं बट स्टिल आप लोग शीट में से सॉल्विंग करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे तो पूरी चीजें देख लेंगे फिर यूनिट्स के बाद हमने डिस्कस किया कि डाइमेंशंस कैसे लिखनी है सो यूनिट्स के बाद हमने डिस्कस किया है डाइमेंशंस डाइमेंशंस के बाद हमने देखे इनके यूजेस यूजेस में दो मेजर टाइप थे क्या इक्वेशन सब लोग को याद रखना है कि शीट में क्या क्या सॉल्व करना है इसलिए मैं यहाँ पे चार्ट बना रहा हूँ तो डाइमेंशंस में जो इम्पोर्टेंट था वो था इक्वेशंस इक्वेशंस के बाद हमने देखा था कि फॉर्मिंग रिलेशंस मतलब वो पावर वाला क्वेश्चन तो दो टाइप देखे थे एक तो इक्वेशन में सॉल्व करना देखा था और रिलेशन में देखा था और एक खुद का सॉल्विंग तो डायमेंशन देखा ही है नंबर थर्ड में हमने देखा है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड उसके बाद देखा था सिग्निफिकेंट फिगर्स और मैंने बताया था बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स में बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं बुक के चक्कर में बुक में कुछ भी रैंडम सा लिखा होता है मैंने प्रॉपर क्राइटेरिया बताया था कि यार एडिशन में क्या फोकस करना है और सब्ट्रैक्शन में क्या करना है तो हमने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और ये सारी चीजें देखी थी फोर्थ पॉइंट पे हमने देखे हैं एरर्स क्लियर तो एरर्स में हमने
एरर्स के सारे फॉर्मूले देखे हैं कि यार एरर किस किस टाइप की होती है, तो उसमें हमने देखी है क्या डेल्टा एक्स मतलब एब्सोल्यूट एरर, फिर हमने देखी है एक्स का परसेंटेज एरर विच वॉज डेल्टा एक्स बाई एक्स का परसेंटेज एरर था, उसके बाद एरर्स के यूजेस देखे हैं कहाँ पर, जो अभी मैंने बताया ऐड और सब्ट्रैक्ट में, देन मल्टीप्लाई और डिवाइड में, इन दोनों चीजों में हमने देखा एरर्स का यूज। फिर हमने उसमें एक लॉजिक भी बताया था कि एरर्स आल्सो कैन बी यूज्ड इन टर्म्स ऑफ चेंज, तो हमने क्या चेंज देखा था परसेंटेज का, कि लेस देन 5% लॉजिक और मोर देन 5% लॉजिक, जो बताया ना कि मोर देन 5% होता है तो फिर हम कैसे कर सकते हैं, तो वो चीजें हमने यहाँ तक आज डिस्कस कर ली। तो ये फोर्थ पार्ट तक हमने ये पूरा अपना जो चैप्टर था वो डिस्कस कर लिया है, इसकी प्रैक्टिस शीट मैं आफ्टरनून तक ग्रुप पे डाल दूंगा। देन लास्ट पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट, सो लास्ट पार्ट है इंस्ट्रूमेंट्स। तो हमें दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स ही पढ़ने हैं, एक है वीसी वर्नियर कैलिपर्स और दूसरा है स्क्रू गेज, इन दोनों का ही मैं प्रॉपर डिस्कशन करूंगा। और याद रखें कम्पिटिटिव एग्जाम में इस सेक्शन से काफी पूछा जाता है, इंस्ट्रूमेंट्स को लेके काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी तक हमने ये चार सेगमेंट डिस्कस किए हैं, वो सबको ध्यान देना है, हमने शायद 5 lectures ऑलरेडी कवर किए हैं ये चार सेगमेंट्स को लेके। आज से हम स्टार्ट करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस करना। चले तो इंस्ट्रूमेंट का थोड़ा सा आइडिया मैंने दी था लास्ट क्लास में, अभी हम पूरी चीजें डिस्कस करते हैं। सारा कुछ मैं बता रहा हूँ, सारी चीजें मैं यहीं पे लिखने वाला हूँ, किसी को कुछ भी डाउट रहेगा तो वो पूछ सकता है, नो प्रॉब्लम। यार ये गैलेक्सी J2 2018 एडिशन, नेम चेंज कर लो यार, तुम लोग को एक बार की बात समझ ही नहीं आती है, बहुत मल्टीपल टाइम्स बताया हुआ है। ओके ये जो भी यार गैलेक्सी J2 है, मतलब फिर से बोल रहा हूँ यार, नेम एडिट कर लो, ऐसे अलाउ नहीं करेंगे यार नेक्स्ट उससे। लेट्स सी, तो चले बात करते हैं, हम वापस आते हैं अपने पर्टिकुलर सेक्शन पे जो हमें आज पढ़ना है, क्या इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट में मैंने दो मेजर इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लिखे हैं, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। यार एक और है नॉर्मल स्केल, बट मुझे पता है कि नॉर्मल स्केल सबको पता है इसलिए मैंने ज्यादा पार्ट उसमें डिस्कस नहीं किया, बट याद रखना है मैं सिर्फ सबको बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, सब लोग एकदम फोकस्ड हो जाओ, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इंस्ट्रूमेंट सेक्शन। क्लियर, बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आप लोग को, आप ध्यान देंगे। यार पहला इंस्ट्रूमेंट है हमारा मीटर स्केल, तो पहले देख रहे हैं यार ये मीटर स्केल होती क्या है। ये मीटर स्केल एक सिंपल स्केल है जो आपके घर में जो आप लोग यूज करते हैं, मतलब मैं अगर ड्रॉ करूं तो ये एक सिंपल स्केल है जो आपको नॉर्मली स्केल की तरह ही दिखेगी, जिसमें थोड़ा सा एक स्पेस होता है इनिशियल और यहाँ से जीरो स्टार्ट होता है, जीरो के बाद आपको 1, 2, 3, 4 एक 5 थोड़ा सा बढ़ा, देन 6, 7, 8, 9 देन 10 अगेन एक कॉलम होता है जो होता है 1, देन होता है 1, 2, 3, 4, 5 देन 6, 7, 8, 9 देन 10 अगेन 2 होता है, इस तरह की आपकी स्केल होती है नॉर्मल मीटरिक स्केल। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 100 कॉलम होते हैं, तो बेटा ये कॉलम किस डिजिट को बिलोंग करता है, तो ये कॉलम बिलोंग करता है सेंटीमीटर को, तो सबको पहले क्लियर होना चाहिए यार ये कॉलम बिलोंग करता है सेंटीमीटर। बट अगर हम इस स्केल में देखें तो यहाँ पर 10 मोर डिविजन्स हैं, यहाँ पर 10 डिविजन बिटवीन ईच सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको आंसर करना चाहता हूँ, लेट से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, तो आप उस लाइन की लेंथ बताओगे तो आप किस तरीके से बताओगे, आप बताओगे सपोज मैंने एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ की और आपने उसको जीरो से स्टार्ट करके कुछ यहाँ पर लेके आए यहाँ पर, तो आप इसका आंसर करोगे सर आपका जो लेंथ है उसकी वैल्यू है इट इज 2 point, sorry, my mistake, जो लेंथ की आपकी वैल्यू है वो है 1.4 centimeter। तो ये बाई डिफॉल्ट मुझे पता चल गया कि ये 1, 2, 3 चलेंगे ही चलेंगे, ये जो नंबर्स हैं स्मॉलर डिवीजन है वो पॉइंट के बाद रखे जाएंगे, तो पॉइंट के बाद 10 डिवीजन होंगे। मतलब इसका मतलब ये कि इस स्केल से मिनिमम मैं कितना देख सकता हूँ, तो मिनिमम ये जो छोटे छोटे डिवीजन है ना हम ये मिनिमम डिवीजन देख सकते हैं, तो
हमने इस डिवीजन को करने के लिए क्या किया है, हमने एक 1 सेंटीमीटर का, हमने 1 सेंटीमीटर के 10 पार्ट किए हुए हैं, 1/10 डिवीजन किए हुए हैं, तो दिस विल बी द लीस्ट वैल्यू विच वी कैन ऑब्जर्व। तो 1/10 सेंटीमीटर मतलब कितना हुआ, 0.1 सेंटीमीटर। तो आप सुनेंगे क्या कि मैंने बताया लीस्ट काउंट, हम सबसे पहले एक वर्ड देखेंगे लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मतलब क्या होता है, देखें, इट इज अ वैल्यू मेजर्ड फ्रॉम एनी इंस्ट्रूमेंट अबाउट विच द ऑब्जर्व इज सर्टेन। मतलब ऑब्जर्वेशन आप एकदम एग्जैक्ट बता सकते हो कि हाँ यार ये 1.4 पे, अगर ये 4 और 5 के बीच में कहीं होगा देन यू आर नॉट सर्टेन। तो अगर कोई स्टूडेंट ये रीडिंग आपको 1.4 नहीं ये बोलता, सर 1.43 है सेंटीमीटर, इसका मतलब वो आपको ट्रिक कर रहा है। क्यों? बिकॉज ही कैन नॉट सी दिस 3 डिजिट, क्योंकि वो जो लिस्ट है उसमें तो 1.4 के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा, 1.5। तो इसका मतलब हमारी लिस्ट काउंट ये होती है जिसमें वो पर्सन जो है सर्टेन है कि नहीं ये तो पक्का होगा ही होगा, क्लियर। और देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गेसिंग, मतलब ये नहीं है कि उसने गेस किया है सर 4 से थोड़ा सा आगे है तो मैंने बोल दिया 4.5 या 0.43 कुछ बोल दिया, देयर शुड बी नो गेसिंग। तो देखें क्या एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ, द मिनिमम लेंथ और वैल्यू विच कैन बी ऑब्जर्व परफेक्टली फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। सो लीस्ट काउंट क्या है, द मिनिमम लेंथ विच वी कैन मेजर फ्रॉम अ एनी इंस्ट्रूमेंट। सो इन द केस ऑफ दिस मीटर स्केल, अगर हम नोटिस करें कि यार ये जो अपना मीटर स्केल है ये, इसका लीस्ट काउंट क्या रहेगा, सर इसका लीस्ट काउंट क्लियर है अभी मैंने बताया क्या, द लीस्ट काउंट इज 1/10। हमने एक एक मीटर को इधर, हमने एक सेंटीमीटर के कितने डिविजन किए हैं 10, सो इट इज 1/10 सेंटीमीटर, वी कैन राइट इट 0.1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब आंसर देखे क्या होगा, 0.1 सेंटीमीटर। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन ऐसे ही गलत कर देते हैं इतना सिखाने के बाद, इतना एफर्ट के बाद। वो छोटी सी गलती पता है क्या है, वो छोटी सी गलती है आपकी, ये क्या गलती है, यूनिट चेंज करना। आपको सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है बेटा एमएम में, तो हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए ये चीज, हम याद रख लेंगे यार कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 mm। इसका मतलब ये है कि ये जो हमने सेंटीमीटर के अंदर कॉलम किए ना छोटे छोटे, ये कॉलम क्या है, ये एमएम ही है। तो इसका मतलब अगर हम एमएम में देखें तो हम कितना बता सकते हैं मिनिमम लीस्ट काउंट, इट इज 1 mm। तो यार किसी को इस चीज में तो पक्का कोई डाउट नहीं है ना 1 mm को लेके, कि आंसर होगा 0.1 सेंटीमीटर बोल दो या फिर बोल दो mm, 1 mm। ये जो छोटे छोटे काउंटर है ये किसके काउंटर है, ये mm के काउंटर है, mm के पॉइंट्स है। तो मुझे लगता है मीटर स्केल में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि मीटर स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर कैसे है, सबको दिख रहा है ये 0.1 सेंटीमीटर और हम उसको लिख सकते हैं 1 mm। तो इंस्ट्रूमेंट में हमने मीटर स्केल देख लिया, मीटर स्केल में कुछ बड़ी बात नहीं है, मीटर स्केल को भी रखते हैं। अब हम दो बड़े वर्ड्स की तरफ आते हैं, दो नए वर्ड्स जिनको मैं ऑलरेडी एक बार शायद बता चुका हूँ आप लोग को, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के बारे में समझना है, इंग्लिश के लिए तो ये दोनों वर्ड सेम है, द मोस्ट प्रिसाइज एंड एक्यूरेट आंसर, दोनों सेम चीजें हैं, बट इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रिसीजन का मतलब मैंने बताया कि यार ये इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड है, क्लियर, मतलब इट इज रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, देन दैट मींस इट इज रिलेटेड टू द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, व्हिच मींस सपोज मैं अगर आपकी वॉल क्लॉक की बात करूं, अगर मैं बात करता हूं यहां पर कुछ सिनेरियो ले लेते हैं, अगर हम यहां पे बात करते हैं लेट से वॉल क्लॉक आपका लेते हैं, तो वॉल क्लॉक से लीस्ट आप कितना देख सकते हैं, वॉल क्लॉक की बात करते हैं हम क्लॉक, तो क्लॉक की अगर बात करें तो आप लीस्ट देख सकते हैं 1 सेकेंड। सो दिस 1 सेकेंड इज इट्स लिमिट, और यू कैन से इट्स प्रिसीजन, द 1 सेकेंड इज इट्स प्रिसीजन। अब सोचो आपको कोई ऑब्जेक्ट आपने मूव कराया, सपोज एक पर्सन दौड़ रहा है और उसने 100 मीटर की रेस 12 सेकेंड में कंप्लीट कर ली, तो आप आंसर ऐसे नहीं कर सकते हो सर 12.1 सेकेंड में कर ली, नहीं कर सकते हो, क्योंकि द सिंपल क्लॉक डज नॉट अलाउ यू टू सी दिस सेकेंड डिजिट, आप सिर्फ सेकेंड बता सकते हो। तो आप आंसर बोलोगे क्या, इधर 11 सेकेंड और 12 सेकेंड, यही आंसर बता सकते हो, 12.1 नहीं बता सकते हो।
So that is called precision. Ki your simple clock has a precision of this 1 second. Achha. Ab dekhna. Abhi dekhna. Let's say, for example, ye jo person 1 second hai na, isne bahut sari readings li. Clear? Isne bahut sari readings li. तो फिर क्या वैल्यूज आएंगी? तो सोचो, एक पर्सन ने बहुत सारी रीडिंग ली कुछ इस तरीके से, क्या लेट से कभी उसने 11 लिया, कभी 12 लिया, कभी 11 लिया, कभी 12 लिया, ऐसे करके बहुत सारी रीडिंग उसने ली, कभी 12 लिया, ऐसे करके बहुत सारी. तो हमने पता है फिजिक्स में कि हम एवरेज निकाल सकते हैं, और एवरेज क्या निकालते हैं? सम अप ऑल द वैल्यूज एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज. तो सपोज 50 वैल्यूज हैं और उसको हमने एन नंबर से डिवाइड कर दिया है, तो इसका मतलब ये होगा कि अब ये वैल्यू तो छोटी आ जाएगी ना. इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिसीजन हम बढ़ा सकते हैं. अब कुछ लोग सोचेंगे, सर ऐसे कैसे छोटी वैल्यू आ गई? तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ. सपोज आप नॉर्मल स्केल यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप एक स्टूडेंट है और मैंने आपसे पूछा, यार अपने मोबाइल की लेंथ आप बताओ. सर एक स्टूडेंट ने बताया, सर 9.5 सेंटीमीटर. अच्छा, एक स्टूडेंट ने बताया, नहीं सर 9.6 सेंटीमीटर है. अच्छा, अब हमने बोला कि नहीं, व्हाट इज द फाइनल आंसर? आपने क्या किया कि वी टेक द एवरेज. हमें पता है हम क्या लेते हैं, एवरेज. तो एवरेज हो जाएगा 9.5 + 9.6/2. अगर आप ऐड करके डिवाइड करो तो दो जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 9.55 सेंटीमीटर. अब डाउट यहाँ पर क्रिएट होता है, क्या कि यार वो पर्सन तो नॉर्मल स्केल यूज कर रहा था, नॉर्मल, तो ये सेकेंड डिजिट कहाँ से मिल गया उसे? सेकेंड डिजिट तो उसे मिल नहीं सकता, तो क्या वो अच्छी स्केल यूज करने लग गया क्या? नहीं. The scale is still same, but by the method of observation, वो दो observation करने के वजह से he came to know about this next digit. तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि although आपके पास अच्छा instrument नहीं है, let's say कम अच्छा है, but आप repeat करके experiment उसको increase कर सकते हो. Clear? So देखें क्या काम की बात बताई मैंने. काम की बात ये है कि if a experiment is repeated n times, then the new precision becomes 1/n times of old precision. तो अगर old precision कुछ 0.1 है, तो अगर आपने 10 times define किया, तो वो 0.01 जितना answer आ जाएगा. तो इस तरीके से हम value को calculate कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से precision को. यार precision ये वाला example समझ में आया जो मैंने यहाँ पे scale का example दिया है? मुझे लगता है scale का example सबको समझ आ जाना चाहिए था, ये scale का जो दिया है. मैं कुछ और एग्जांपल्स भी दे देता हूँ. सपोज अगर हम कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं. सपोज एक एक्सपेरिमेंट है, मैं बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट ये दिखाता हूँ. एक सिंपल पेंडुलम के बारे में आपने सुना होगा कि यार सिंपल पेंडुलम है, उसको अगर आप ऐसे थोड़ा सा धक्का दे दें, कुछ भी पुश दे दें, तो वो इस तरीके से ऑसिलेट करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा. क्लियर? अच्छा, अब सोच रहे हैं, मैंने आपसे पूछा कि यार उसका एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताओ देख के. तो ये एक ऑसिलेशन क्या होता है? एक ऑसिलेशन होता है, ये पहले ऊपर जाएगा, वापस इस तरफ जाएगा, देन वापस आपके पास रिटर्न आ जाएगा. इस कंप्लीट सिनेरियो को बोलते हैं वन ऑसिलेशन. बट आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो, आप एक बार मत देखो, आप देखो 10 times. क्लियर? अच्छा, हमने लेट्स से किया 10 times, या 10 times नहीं, 100 times कर लो. चलो 100 times कर लेते हैं. आपने देखा कि सिंपल पेंडुलम 100 times ऑसिलेट हो गया, और 100 times ऑसिलेट होके टाइम पीरियड का आंसर आया कितना? लेट्स से आया 73 सेकेंड. तो अभी ये कॉमन सेंस पता है ना क्या, कि फॉर 100 oscillation इट इज 73. सो फॉर वन ऑसिलेशन अगर हम देख लेंगे, तो वन ऑसिलेशन ये वैल्यू हो जाएगी कितनी? Divide by 100, that means 0.73 सेकेंड. अब फील करो, क्या आप कभी नॉर्मल स्केल से 0.73 निकाल सकते थे क्या? नहीं निकाल सकते थे. बट बिकॉज यू हैव रिपीटेड योर एक्सपेरिमेंट 100 times, यू मेड योर दिस सिंपल क्लॉक 1/100 times प्रिसाइज. सो आई गेस बाई दिस एग्जाम्पल इट शुड बी क्लियर दैट प्रिसीजन depend upon the instrument, but you can improve it. You can improve your precision will depend upon the number of experiment. इसीलिए कभी देखो कि कोई भी scientist 1000 times experiment करता है, फिर वो final result आपको बताता है. So by that वो even कम अच्छा
इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है बट फिर भी वो और प्रिसाइज हो जाता है. नंबर टू प्रिसीजन हो गया. नंबर टू एक्यूरेसी. तो एक्यूरेसी की बात करें अगर, तो एक्यूरेसी क्या है, सिंपल है, इट इज रिलेटेड टू द एरर. मतलब फर्क नहीं पड़ता है कि आपका आंसर 0.73 आया या क्या है, इट इज रिलेटेड टू एरर. और जितना कम एरर है, जितनी कम एरर है उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होगा वो वैल्यू. मतलब अगर मैंने एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे जो लिखा है कि लेट से टाइम पीरियड का जो आंसर है, टाइम पीरियड का आंसर था जो टी का आंसर था वो था 0.8 और किसी स्टूडेंट ने आंसर दिया है टी इज इक्वल टू 0.81 और किसी स्टूडेंट ने आंसर दिया है 0.89 और किसी स्टूडेंट ने आंसर दिया है 0.9. तो दिख रहा है यहाँ पर कि ये स्टूडेंट एक अच्छी स्केल यूज कर रहा है, इसने दो डिजिट पता है. इस स्टूडेंट को पता ही नहीं है दूसरे डिजिट के बारे में, बट क्लोज आंसर इस पर्सन का है. देखो 90.9 के सबसे क्लोजेस्ट यही आंसर है. तो इससे ये दो चीज पता चलती है कि ये जो पर्सन है T1 और ये T2, तो वन वाला प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है बट ये जो टू वाला है इसका आंसर क्या है, एक्यूरेट है. क्लियर? तो एक्यूरेट किससे रिलेटेड है, दो वर्ड्स आपको याद रखने. प्रिसीजन रिलेटेड है किससे, इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट से, और एक्यूरेसी रिलेटेड है आपका एरर कितना कम है. तो मैं एक एक्सपेरिमेंट को देखते हैं और चीजों को और क्लियर समझने का ट्राई करते हैं. जैसे मैंने अभी एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया, फिर से हम एक एक्सपेरिमेंट और देख लेते हैं, रीड करेंगे. फाइंड द प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ अ एक्सपेरिमेंट डन बाय 3 स्टूडेंट्स. डन द रीडिंग टेकन बाय फर्स्ट स्टूडेंट्स आर. तो ये तीन अलग अलग स्टूडेंट ने किया हुआ है. फर्स्ट स्टूडेंट ने रीडिंग ली हुई है 35.5 सेकेंड. ये सेकेंड एस इज एस 35.7, 35.6, ये हुआ फर्स्ट स्टूडेंट. फिर सेकेंड स्टूडेंट, उसने ली हुई है 35.5, 35.3, 35.9. डन. थर्ड स्टूडेंट ने रीडिंग ली हुई है 35.4, 6 and 8. ये तो अब आपको बताना है कि रीडिंग्स मैं फिर से कर लेता हूँ. दीज आर द रीडिंग्स, थ्री स्टूडेंट्स रीडिंग. अब आपको बताना है वॉट इज दियर प्रिसीजन, वॉट इज दियर एक्यूरेसी. तो पहले मैंने बताया यू मस्ट नो द रियल वैल्यू. अगर एक्यूरेसी चाहिए मतलब एरर निकालना है तो रियल वैल्यू पता होनी चाहिए. रियल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, हम एवरेज लेके. तो क्या करेंगे, 35.5, 35.7, 35.6 इन सबको ऐड करके डिवाइड बाई 3 करेंगे, जो आंसर आएगा वो हो जाएगी हमारी एवरेज वैल्यू. एंड वी कंसिडर दिस एवरेज वैल्यू एज अ रियल वैल्यू. इसी तरह हमने सेकेंड का भी सॉल्व किया, सेकेंड का भी एरर निकाला और थर्ड का भी एरर निकाल लिया कि हमारी रियल वैल्यू कितनी आ रही है. अब अगर हम देखें, अब सब लोग यहाँ पे देखने का ट्राई करें, इस डेटा को फील करेंगे. मैं थोड़ा सा ध्यान देता हूँ यहाँ पर. देखें सब लोग इस डेटा को देखें. पहला स्टूडेंट देखो, पहले स्टूडेंट का आंसर कितना है 35.6. क्लियर? दूसरे स्टूडेंट का आंसर है 35.56. तीसरे स्टूडेंट का आंसर भी है 35.6. अब देखो कि किस रीडिंग में सबसे ज्यादा प्रिसाइज आंसर आ रहे हैं. तो सबसे ज्यादा प्रिसाइज मतलब ये सेकंड वाला. प्रिसाइज मतलब आपको देखना है कि इंस्ट्रूमेंट कैसा यूज हो रहा है. देखो ना, दो डिजिट पता है इसे जबकि इन सबको सिंगल डिजिट पता है. तो बाई सॉल्विंग इसने उसको प्रिसाइज कर दिया. लेकिन अगर एक्यूरेसी की बात करेंगे तो एक्यूरेसी मतलब एरर चेक करना पड़ेगा. तो एरर देखो क्या, 35.6. देख लो ये 35.5, मतलब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में एरर हुई, दूसरे में भी एरर हुई, तीसरे में भी एरर हुई. तो तीनों को आपको माइनस करके देख लेना है कि तीनों में कितनी कितनी एरर हुई. इस तरीके से सारे क्वेश्चन में देख के चेक कर लेना है कि किसकी एरर कितनी है और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है कि किसमें एरर कितनी ज्यादा आएगी. तो अगर हम देखें तो बाई सॉल्विंग हमने देख लिया हुआ है सबकी एरर. अगर कंसिडर करें सबकी एरर, तो ये जो रीडिंग्स ऑफ स्टूडेंट वन है दे आर मोस्ट एक्यूरेट, उनमें एरर कम है. क्लियर? तो इस तरीके से हम ये चीजें देख सकते हैं. ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं. मैंने ऑल्दो रियल टाइम एग्जांपल्स दे दिए हैं बट आप ये एग्जांपल भी सॉल्व कर सकते हैं. किसी को कुछ डाउट क्या? ओके सो वी विल डिस्कस नेक्स्ट.
पार्ट की एरर और ये हमारा पार्ट क्लियर है। अब हम आते हैं अपने एक्चुअल पार्ट में, क्या वर्नियर कैलिपर्स में देखें। तो पहला इंस्ट्रूमेंट नॉर्मल स्केल था, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ नॉर्मल स्केल से नहीं आता है। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्नियर कैलिपर्स, और मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा अच्छे से समझें कि वर्नियर कैलिपर्स क्या है, कैसे इसे सॉल्व करना है। डर तो देखना है कि वर्नियर कैलिपर्स क्या है और किस तरीके से काम करता है। मैं आप लोग को पहले वर्नियर कैलिपर्स दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम सॉल्विंग पे बात करेंगे। चले तो मैं बात करता हूँ वर्नियर कैलिपर्स। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो आपको एक फिगर दिख रहा होगा, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि वर्नियर कैलिपर्स होता क्या है। सब लोग ध्यान देंगे, यार वर्नियर कैलिपर्स एक एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ योर नॉर्मल स्केल है। मतलब हुआ क्या समझे, यहाँ पर हुआ ये कि आपके पास ये मेन स्केल है, ये जो मेन स्केल है इसके साथ क्या होता है, ये एक जॉ अटैच्ड होता है इस मेन स्केल के साथ जो कि फिक्स है, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, जिसके साथ एक अपर जॉ भी अटैच होता है। क्लियर, हम इसके आगे काम बताते हैं। फिर आपको ये डार्क शेडेड, ये डार्क शेडेड जो दिख रहा है स्केल, ये होता है हमारा वर्नियर स्केल, जिस जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक वो क्या है, वर्नियर कैलिपर्स। और वर्नियर कैलिपर्स ऑफकोर्स वर्नियर जो है वो साइंटिस्ट का नाम है, पियरे वर्नियर नेम था जिसने ये कैलिपर्स बनाया। तो इसमें क्या थी, एक मेन स्केल थी, मैंने ये ड्रॉ किया, ये जो येलो कलर से दिख रही है जो बैकग्राउंड में, ये मेन स्केल है जो हमारी नॉर्मल स्केल होती है। उसके ऊपर स्क्रू के थ्रू, ये स्क्रूज के थ्रू ये वर्नियर स्केल अटैच होती है, ये वाली स्केल। अच्छा, अब इस वर्नियर स्केल का काम देखें, होता क्या है अगर हम इसे जूम करें तो इस वर्नियर स्केल में बीच में एक होल होता है। क्लियर, और आप उससे मेन स्केल को देख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आपको ये वर्नियर स्केल कुछ ऐसा होल दिखेगा, ये मैं ये वाले होल को आपको जूम करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो नीचे वर्नियर के कॉलम्स बने होंगे ऐसे 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, यहाँ तक होंगे। और अंदर अगर आप देखोगे तो अंदर आपको मेन स्केल के कॉलम्स दिखेंगे, मतलब इससे आप अंदर देखोगे तो अंदर आपको मेन स्केल के कॉलम्स दिखेंगे। तो कुछ इस तरीके से दोनों लिंक होती हैं, वर्नियर और मेन स्केल। अब काम क्या है, करते क्या है, इसको यूज कैसे करते हैं। तो पहले हम कैसे यूज करते थे कि सपोज हमें एक लाइन मेजर करनी है, तो हमने लाइन को स्केल के सामने रख दिया ये, और हमें दिख गई कि यार ये 1 सेंटीमीटर की लाइन हमने ड्रॉ की है। अभी क्या करना होता है, अभी जो भी ऑब्जेक्ट हमें मेजर करना है उसको हम इन दोनों जॉज के बीच में रख देते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया ऑब्जेक्ट जिसको हमने जॉज के बीच में रख दिया। अब ये जो दूसरा जॉ शिफ्ट होता है वो हमें बताता है वर्नियर की रीडिंग। अब लेते कैसे हैं, वर्नियर की रीडिंग कैसे लेते हैं, उस चीज को पहले समझेंगे। पर वर्नियर की रीडिंग लेते हैं कुछ इस तरीके से कि ये जो जीरो है, जैसे मैंने बात किया, मैं एक नीचे वैल्यू वाइज दिखाता हूँ, ये स्केल फील करेंगे। देखें ये पार्ट है मेन स्केल का, इस फिगर में ध्यान देंगे सब, ये पार्ट है मेन स्केल का और ये जो पार्ट है ये है वर्नियर स्केल का, वर्नियर स्केल। अब रीडिंग कैसे लेते हैं, ये थोड़ा सा मिसिंग है, ये 4 है यहाँ पर। क्लियर, रीडिंग कैसे लेते हैं, हम ये देखते हैं कि ये जो वर्नियर का जीरो है, सब लोग अच्छे से ध्यान दें, ये जो वर्नियर का जीरो है वो कहाँ पर है मेन स्केल में। तो सोचो मेन स्केल में देखो, अगर आप ध्यान दोगे तो ये 4 हुआ, ये 4.1, ये 4.2 से थोड़ा सा आगे है। सोचो ये जीरो अगर एग्जैक्ट 2 पर होता तो हमें क्या वर्नियर की जरूरत थी क्या, नहीं, हम तो वैसे ही अपना आंसर बोल देते क्या था, 4.2 सेंटीमीटर। बट बिकॉज इट इज अ लिटिल फॉरवर्ड टू दिस 4.2, तो इसका मतलब आंसर 4.2 प्लस समथिंग है। हमें पता नहीं है व्हाट इज दैट डिजिट, बट हमें पता है कि आंसर 4.2 है। क्या आंसर 4.3 है, क्या आंसर 4.3 है, क्या नहीं, आंसर 4.3 बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 3 तो यहाँ है ना। तो हम कैसे आंसर देखते हैं, हम देखते हैं कि जो वर्नियर है, हम देखते ऐसे हैं कि वर्नियर का जो जीरो है, क्या वर्नियर का जो जीरो है वो मेन स्केल में किसके जस्ट बाद में है, वो होती है हमारी रीडिंग ऑफ मेन स्केल। डन, तो इसका मतलब जो हम लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लिखने वाले हैं वो कैसे लिखते हैं, पहले तो हम लिख देते हैं अपनी मेन स्केल की रीडिंग। अब नंबर 2 आता है, फाइंड द वर्नियर स्केल रीडिंग। मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे फाइंड करते हैं,
तो टू फाइंड वर्नियर स्केल रीडिंग सब लोग सुनेंगे और याद रख लें, हम ये चेक करते हैं विच कॉलम ऑफ वर्नियर मैचेस विद द मेन स्केल। वर्नियर की रीडिंग कैसे देखते हैं, विच कॉलम ऑफ वर्नियर मैचेस विद द मेन स्केल। तो अगर अभी इस फिगर में मैं देखूं तो मुझे दिख रहा है क्या कि वर्नियर का ये जो थर्ड कॉलम है ये एग्जैक्ट मैच हो रहा है। अच्छा, किससे मैच हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 से मैच हो रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है कि 4.5 से मैच हो रहा है, हमें मतलब है विच कॉलम इट इज मैचिंग विद दिस। तो इसका मतलब हुआ वर्नियर का थर्ड कॉलम मैच हो रहा है, मतलब वर्नियर की रीडिंग कितनी है, 3। तो सबको समझ आया कि वर्नियर की रीडिंग कैसे निकालते हैं, 3। अब समझना ये है कि जैसे मैंने इस क्वेश्चन में अभी देखा तो मेरा आंसर आ रहा था 4.2 प्लस वर्नियर की रीडिंग थी 3। अब आपको पता है कि यार 3 ऐसे तो नहीं ऐड करना है, क्यों, क्योंकि आंसर आपका ये है 4.2 और 3 है नेक्स्ट डिजिट। नेक्स्ट डिजिट आपको बताना ना कि 4.2 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो वो ज्यादा पार्ट क्या होता है, वो ज्यादा पार्ट होता है रीडिंग ऑफ वर्नियर। रीडिंग ऑफ वर्नियर क्या है, 3। तो ये है हमारा आंसर। बट यहाँ पर एक वर्ड आता है लीस्ट काउंट, तो हम देखते हैं कि यार ये वर्नियर का लीस्ट काउंट कितना है। तो हम यहाँ पर देख पाते हैं कि यार वर्नियर जो है वो हमारी मेन स्केल से भी 1/10 अच्छा है। तो अगर हम मेन स्केल की बात करें, हमारे मेन स्केल की, तो मैंने आपको पहले भी लिखा था कि मेन स्केल कितनी होती है, 1/10 ऑफ सेंटीमीटर। उसी तरीके से वर्नियर कितनी होती है, 1/100 ऑफ सेंटीमीटर। और ये जो स्क्रू गेज होता है वो होता है 1/1000 ऑफ सेंटीमीटर। इसका मतलब मेन स्केल की लीस्ट काउंट कितनी होती है, 0.1 सेंटीमीटर, और वर्नियर की कितनी होती है, 0.01 सेंटीमीटर, बिकॉज इट टेल्स अबाउट द नेक्स्ट डिजिट। और स्क्रू गेज की होती है 0.001 सेंटीमीटर, बिकॉज इट टेल्स अबाउट द थर्ड डिजिट। तो इसका मतलब यहां पर हम क्या करते हैं, लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करते हैं 0.01, तो ये फिर क्या बन जाएगा, 0.03 बन जाएगा और आंसर ये आ जाएगा। ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, हम कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कैसे लेते हैं यार वर्नियर की रीडिंग, सब लोग ध्यान देंगे वर्नियर की रीडिंग कैसे लेते हैं। नंबर वन, फर्स्ट वी चेक वेयर इज द जीरो ऑफ वर्नियर, डन। तो हमने ये एग्जांपल देखा कि यार जीरो ऑफ वर्नियर किसके जस्ट बाद है, तो किसके जस्ट बाद था, 4.2 के जस्ट बाद था, यही मेन इसके। प्लस वर्नियर की रीडिंग कैसे लेते हैं, विच कॉलम ऑफ वर्नियर एग्जैक्टली कोइंसाइड्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली कोइंसाइड्स, क्या कॉलम है कोइंसाइड कर रहा है, 3। बट ऐसे 3 नहीं ऐड करेंगे, तो वी विल मल्टीप्लाई इट विद द लीस्ट काउंट, सो आंसर क्या आ जाएगा, 4.23। तो ये होगा आंसर हमारा इस क्वेश्चन का कि 4.3 सेंटीमीटर था। सो आई वांट टू नो, आई विल आस्क टू सम पर्टिकुलर स्टूडेंट, कोई ऐसे सब लोग आंसर नहीं करेंगे, मैं पूछूंगा, ये 4 है, ये थोड़ा सा ध्यान देना आपको 4 है। आई वॉन्ट टू नो कि आपने एक वर्नियर सेट किया, एक ऑब्जेक्ट सेट कैसे करते हैं वर्नियर, ये जो स्क्रू है यहाँ पे एक रोटेटरी स्क्रू लगा होता है, आप उसको ऐसे रोल करके इसको आगे पीछे ले जा सकते हैं। तो आपको जब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लगा देना है और फिर रीड करना है कि रीडिंग क्या होगी, तो लेट्स से हमने एक ऑब्जेक्ट लगा दिया है और स्केल इस तरीके से दिख रही है, तो अब आपको बताना है कि आंसर क्या होगा, हमारा क्या आंसर होगा कि रीडिंग कितनी है। तो हमें मेन स्केल देखनी है और वर्नियर स्केल देखनी है। तो मैं पूछ लेता हूँ कुछ स्टूडेंट से, लेट्स सी, पूछ लेते हैं अमित दालवी आंसर करें आप। अमित दालवी, ओके, आदित्य भोसले, कैन यू आंसर, यस सर, यस, सो प्लीज स्पीक अप। अगर इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, आदित्य भोसले आप आंसर करें इस क्वेश्चन में, सबसे पहले बताओ मेन स्किल की रीडिंग क्या लेंगे हम, सर 4.6, वेरी गुड, सो मेन स्किल इट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, इट इज एड ऑफ 6, 7 टच नहीं किया है, सो मेन स्किल रीडिंग इज 4.6, गुड। देन व्हाट इज द वर्नियर स्केल रीडिंग, सर 10, 10, नो 10 इज नॉट मैचिंग, सर 9, सर 9, गुड गुड, सो क्योंकि 10 नहीं होगा, मतलब 10 इसमें गलत दिया हुआ है, 10 वी डोंट यूज 10, यस, क्या आएगा 9, सो 9 एग्जैक्टली मैच हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा 4.69 सेंटीमीटर। सो आई थिंक इट शुड बी क्लियर कि वर्नियर से रीडिंग कैसे लेते हैं। डन एवरीवन, क्लियर,
वर्नियर से रीडिंग कैसे लेते हैं। अब देखते हैं कि वर्नियर को यूज कैसे करते हैं, वो देखें। चले तो यहां पर मैंने एक वर्नियर कैलिपर शो किया हुआ है, सबको दिख रहा है, देखें। तो यहां पर चीजें डिस्कस करते हैं। ये जो ऊपर का स्क्रू होता है ये किस काम में आता है, ये इस वाली स्केल को टाइट करने के काम आता है मेन स्केल के साथ, मतलब लूज ना हो, हिले नहीं। ये पी जो है ये मूवेबल स्क्रू होता है, ये किस काम में आता है, ये इस स्केल को लेफ्ट राइट मूव कराने के काम में आता है, इस स्क्रू से रोल कर सकते हैं। फिर ये होते हैं J1 एंड J2, दीज आर कॉल्ड लोअर जॉज, दीज आर कॉल्ड लोअर जॉज। अच्छा डन। फिर इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल अपोर्ट सिनेरियो के साथ J3 और J4 है, इनको बोलते हैं हम अपर जॉज। तो इन चीजों को बोलते हैं हम अपर जॉज। अब इन दोनों का काम क्या है वो देखें, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इन दोनों का बाहर का सिनेरियो देखें कर्व्ड है, इनका क्या चीज सेम है, अंदर का फ्लैट है, क्लियर। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो जॉ है ये वाला, ये बाहर तरफ से फ्लैट है और ये कहां से फ्लैट है, ये अंदर तरफ से फ्लैट है। तो जब ऑब्जेक्ट को, लेट से मैंने एक रॉड रखी है, तो अगर आपको बाहर से मेजर करना है तो आप लोअर जॉज यूज करेंगे, लेकिन लेट से मैंने एक ऐसा हॉलो पार्ट रखा है और आपको बाहर नहीं अंदर से मेजर करना है तो हम यूज करेंगे अपर जॉज। मैं एक एग्जांपल में दिखाता हूँ। अच्छा यहाँ पे देख भी सकते हैं आप, ये देखें ये वर्नियर की रीडिंग है और ये मेन स्केल की रीडिंग है, इस तरीके से दिखती है। सोचो जब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो देखो रीडिंग कितनी है, जीरो, जीरो एग्जैक्ट मैच हो रहा है जीरो से। चले बात करते हैं यहाँ पर, इस फिगर में देखें एकदम क्लियर है। सपोज मुझे किसी ऑब्जेक्ट का आउटर डायमीटर चाहिए, ये क्या है आउटर डायमीटर, तो किनको यूज करेंगे हम, लोअर जॉज को यूज करेंगे, इस स्क्रू को हम रोल कर सकते हैं यहाँ पे जो मैंने दिखाया हुआ है, क्लियर। अब आप देखो कि यार ये जो ऊपर वाले जॉज हैं आप ऐसे बीच में कुछ रख ही नहीं सकते हो बिकॉज दे आर कर्व्ड, तो पक्का ये किस काम में आने वाले हैं, ये इस तरीके से काम में आने वाले हैं। इसका मतलब ये जो जॉज है अपर जॉज, ये काम आते हैं किसी की इनर रेडियस वगैरह चेक करने के लिए। तो देख लें कुछ इस तरीके से, सपोज आपको एक थिक सिलेंडर दे दिया है और आपको चेक करना है, तो अब हमने स्केल को उल्टा कर दिया है, समझ आया। तो अभी हमने स्केल को उल्टा किया और क्या चेक किया, इनर जॉज, क्यों, क्योंकि देखो इसके आउटर चीजें फिक्स्ड हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इनकी क्या चीजें फिक्स हैं, ये चीजें फ्लैट है, इसलिए इसको किस काम में आते हैं, अंदर की डायमीटर मेजर करने में काम आते हैं। रीडिंग आप रीड कर सकते हो। अच्छा अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो आप रीड कर सकते हो कि आवर जीरो इज जस्ट अहेड ऑफ सिक्स, सो इट इज 6.2, इट इज एग्जैक्टली मैचिंग विद 6.2। इससे क्या क्लियर होता है, इससे पता चलता है कि हमारी जो रीडिंग है वो एग्जैक्ट 6.2 है। ओके चलिए, सो नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं। फिर हमने अभी जस्ट बताया आपको क्या कि अगर आपको किसी सरफेस का इनर डायमीटर चाहिए तो आप अपर जॉज यूज कर सकते हैं, डन। नेक्स्ट पार्ट है वर्नियर कैलिपर्स में ये जो स्केल है, ये जो जॉज से कनेक्टेड है, इसमें पीछे तरफ, इसमें बैक साइड में एक डेप्थ मेजरिंग सिलेंडर भी होता है। मतलब ये इनिशियली जब आप मेन स्केल देखोगे तो वो जो सिलेंडर है अंदर ऐसे इसके पीछे कनेक्टेड होता है, वो जस्ट यहाँ पर होता है। फिर आप जैसे ही इस स्क्रू को घुमाते हैं पीछे की तरफ तो ये डेप्थ वाला भी नीचे की तरफ जाता है, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ भी मेजर कर सकते हैं। तो तीन चीजें हम कर सकते हैं इससे, आउटर डायमीटर मींस ये वाले जॉज काम आएंगे आउटर मेजर करने में, ये वाले जॉज आएंगे काम इनर मेजर करने में, और ये सिलेंडर काम आता है नीचे डेप्थ देखने में कि किसी ऑब्जेक्ट की डेप्थ कितनी है। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया हुआ है कि वर्नियर कैलिपर्स के हमें क्या क्या यूजेस हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स के मैंने तीन यूजेस यहाँ पर दिखाए हैं। रीडिंग लेना आइए सबको आ ही गया है कि रीडिंग हम कैसे लेते हैं, रीडिंग लेना मैंने दिखाई दिया है किसी भी सिनेरियो को रीडिंग कैसे लेना, डन। तो अभी हम वर्नियर पे रीडिंग लेने की बात हम कर चुके हैं, अब हम थोड़ी सी बेसिक बातें एक और कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे यूज होने वाला है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, क्लियर। रीडिंग लेना भी सबको आ गया कि रीडिंग लेने में एक तो मेन स्केल रीडिंग देखना है और एक वर्नियर स्केल रीडिंग देखना है। हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जीरो एरर, जीरो एरर।
जीरो एरर क्या होती है, समझे जीरो एरर क्या होती है? सोचो जब इंस्ट्रूमेंट में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब सोचो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैंने बताया ये दोनों जॉज मैच करेंगे और आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। मतलब आपको कैसा दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, क्लियर? क्या दोनों का जीरोस मैच कर रहा है, बट सोचो सिनेरियो ऐसा हो जब आपने दोनों जॉज मैच किए तब आपने देखा कि ये जो जीरो है ये थोड़ा सा आगे है, इसका मतलब जीरो एग्जैक्ट जीरो से मैच नहीं हो रहा है, तो इस सिनेरियो को हम क्या बोलते हैं, इस सिनेरियो को हम बोलते हैं जीरो एरर, क्लियर? जीरो एरर। और अभी सबको क्लियर हो जानी चाहिए कि जीरो एरर की वैल्यू अगर निकालनी है तो वैल्यू आप तुरंत निकाल सकते हो। देखें वैल्यू कितनी होगी, क्या बताओ, मेन स्केल की कोई रीडिंग है क्या? ये मेन स्केल में है ये 0.1, 0.2, 0.3 नहीं, 0.1 को भी नहीं पहुंचा है, तो मेन स्केल की रीडिंग तो अभी 0.0 ही है। प्लस वर्नियर की रीडिंग देखो, विच कॉलम मैचेस, थर्ड कॉलम मैचेस, गुड। तो थर्ड हमेशा नेक्स्ट डिजिट है, 0.3 मत लिखना, 3 इनटू उसकी लिस्ट काउंट कितनी है, 0.01, सो दिस विल रिजल्ट 0.03। ये हो गई हमारी एरर। अब फील करना है क्या, मैं एक सिंपल एग्जांपल बताऊंगा। सोचो आपने अपनी बाइक स्टार्ट की और उसका एक एनालॉग ऑडोमीटर है, लेट्स से, तो एनालॉग ऑडोमीटर है, आपने स्टार्ट किया अभी, मतलब चलाया नहीं है उसको, मूव नहीं करा रहे हो, और वो अभी भी जो उसका नीडल है वो 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड दिखा रहा है। ओके, मतलब ये तो गलत बात है, कुछ एरर है उसमें। लेट्स से अब आप कार अपना बाइक चला रहे हो 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, तब आप कॉमन सेंस बताना है कि क्या आपकी स्पीड 60 है, नहीं, बिना कुछ प्रॉब्लम के ही वो कितना 10 दिखा रहा था, बट अब आप मूव कर रहे हो 60 से, दैट मींस आपकी रियल स्पीड कितनी है, 50। वेरी गुड, सो इसका मतलब ये, दिस जीरो एरर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द रियल वैल्यू, व्हेन वी टॉक अबाउट द रियल वैल्यू, सो हमें ध्यान देना है कि आवर ऑब्जर्वेशन, फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन वी मस्ट रिड्यूस दिस जीरो एरर। अच्छा ये हुआ, बट एक इसमें प्रॉब्लम भी है ना, क्या कि सोचो सोचो आपका जो एनालॉग था वो जीरो से थोड़ा पीछे होता, मतलब नेगेटिव तो नहीं बट लेट से जीरो से थोड़ा सा पीछे है, लेट से एक जितना स्ट्रेंथ एक 5 किलोमीटर पर आर का होता है उतना नीडल वो पीछे है, तो इसका मतलब जब आप 50 चला रहे हो तो इसका मतलब रियल में आप 55 चला रहे हो, क्योंकि वो जीरो से पीछे था ना थोड़ा 5, तो इसका मतलब हम दोनों चीजें ध्यान देते हैं क्या कि जब जीरो आगे है तो उस एरर को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर, डन। और जब जीरो पीछे होता है, मतलब इस जीरो के पीछे है, तो उसे बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। तो एरर हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब आप सोचो आप अपनी वैल्यू से जब पॉजिटिव वैल्यू माइनस करोगे, सपोज आंसर था 4.23 और जीरो एरर थी 0.1 की, 0.1, तो आंसर आएगा 4.23 22 22, लेकिन सोचो जीरो एरर नेगेटिव होती तो आपको तो ऐड करना था ना वैल्यू, तो ध्यान देना है कि अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो माइनस करेंगे, और अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो क्या करेंगे, ऐड। तो वो डिपेंड करेगा कि जीरो एरर किस टाइप की है। तो मुझे लगता है कि यार यहाँ तक जीरो एरर तक क्लियर है सबको, तो हमें वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग देखना आ गया, सबको ध्यान देना यार, देखें वर्नियर कैलिपर्स की हमें रीडिंग देखना आ गया कि वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग कैसे देखते हैं, और हमने एक नई चीज देख ली यार, जीरो एरर कैसे देखते हैं और उसको कैसे हम करेक्ट करेंगे, डन। अब लास्ट पार्ट बचता है वन ईयर कैलिपर्स में, वो लास्ट पार्ट है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट देखते कैसे हैं वो आप समझें, तो मैं थोड़ा सा एक मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ लीस्ट काउंट कैसे देखते हैं। ये जो मेन स्केल होती है, ये मेन स्केल है सपोज, और नीचे आपकी बनी हुई है वन ईयर स्केल, तो ये नीचे है वन ईयर स्केल, क्लियर? तो ये हो गई वन ईयर स्केल। अब सोचने वाली बात है कि लीस्ट काउंट मतलब क्या है, आप समझिएगा, कॉमन सेंस से देखें। सोचो मैं जूम करके बना रहा हूँ किसी एक कॉलम को, यहाँ पे यहाँ के मैं किसी एक कॉलम को जूम करके बनाऊं, तो लेट्स से ये मेन स्केल है और ये नीचे वाली ये है वर्नियर स्केल जो कि थोड़ी सी छोटी है, तो आप फील करो कि आपको ये वैल्यू पता है ये कितनी है, ये 0.1 सेंटीमीटर, और आपको ये वैल्यू पता है, तो अगर आप इन दोनों वैल्यू को माइनस करो, सो यू कैन सी दिस वैल्यू ना, अगर आप इन दोनों को माइनस करो सो यू कैन गेस, मींस
मैथमेटिकली यू कैन चेक दिस वैल्यू, ये बन जाएगी क्या हमारी लीस्ट काउंट। मतलब ऐसा देख के नहीं बताना, मैथमेटिकली हम सॉल्व करके ये चीज बता सकते हैं कि अगर हम इस नंबर में ये छोटा नंबर माइनस करेंगे सो वी कैन गेस दिस डिफरेंस। सो लीस्ट काउंट इज डिफाइन एज, लीस्ट काउंट इज डिफाइन एज ये जो मेन स्केल का वन है, वन मेन स्केल डिवीजन, दिस मेन स्केल डिवीजन जो कि 0.1 सेंटीमीटर है, माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर, ये प्रॉब्लम है। तो मेन स्केल डिवीजन तो पता है आप लोग को कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर। ये वर्नियर ढूंढना पड़ेगा यार कि वर्नियर होता कितना है, तो डिपेंड करेगा कि वर्नियर कैसा बनाना चाहते हो आप। सोचो आपने घर में एक वर्नियर बनाया, देखो लेट से आपने घर पे ऐसे ही कार्डबोर्ड से एक वर्नियर बनाया जिसमें आपने क्या किया, ड्रॉइंग की कि ये जो 1 सेंटीमीटर था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्लियर। तो ये जो आपका पार्ट था 1 सेंटीमीटर, आपने एक वर्नियर बनाया जिसमें आपने इसके 10 कॉलम में, आपने इसके 10 कॉलम्स के जगह 9 कॉलम में ही आपने 10 लिख दिए, क्लियर। तो इसका मतलब आप यहां से गेस कर सकते हैं ना कि जो 10 कॉलम का वर्थ है वर्नियर में वो 9 कॉलम का वर्थ है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप कैसा भी वर्नियर बना सकते हैं। हम बात कर लेते हैं अवर स्टैंडर्ड वर्नियर, तो मैं आपको दिखाता हूं कि स्टैंडर्ड वर्नियर कैसा दिखने वाला है आपको। ये हमारा स्टैंडर्ड वर्नियर है जो पियरे वर्नियर ने बनाया हुआ है, स्टैंडर्ड वर्नियर है। देखो स्टैंडर्ड वर्नियर कैसा दिखता है, देखें स्टैंडर्ड वर्नियर एग्जैक्ट ये जो 1 सेंटीमीटर है उसमें से ये जो 9 कॉलम्स हैं उनके जितने कॉलम में ये अपने 10 कॉलम सेट हो जाते हैं, यहां तक क्लियर। मतलब 9 कॉलम ऑफ मेन स्केल आर वर्थ 10 कॉलम ऑफ वर्नियर स्केल। तो अब यूनिटरी मेथड तो लगा सकते हो ना, क्या सर 10 वर्नियर कॉलम का मतलब होता है 9 मेन स्केल, तो 1 वर्नियर कॉलम का मतलब कितना हो जाएगा 9/10 मेन स्केल। बस यही तो हम ढूंढ रहे थे, यही तो हम ढूंढ रहे थे कि यार 1 वर्नियर का वर्थ कितना है। तो अगर हम बताएं कि 1 वर्नियर का वर्थ कितना है, तो 1 वर्नियर का वर्थ कितना आया, 1 वर्नियर का वर्थ आया 9/10 times ऑफ मेन स्केल। और इसको भी चलो मेन स्केल ही लिख देते हैं, 1 मेन स्केल। तो सॉल्व कर दो, 10 into 1 क्या आएगा, 10 - 9/10 ऑफ मेन स्केल। इसका मतलब कितना हुआ, 1/10 ऑफ मेन स्केल। इसका मतलब मेन स्केल तो कितनी थी, 0.1 सेंटीमीटर, और उसका भी 10 times मतलब कितना आया, 0.01 सेंटीमीटर। सो दैट्स हाउ वी डिसाइड कि एक वर्नियर कैलिपर्स में लीस्ट काउंट कैसे डिस्कस करनी है। क्लियर, तो यार लीस्ट काउंट का डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में भी कर लेंगे। एक बार मैं कल फिर रिवाइज करा दूंगा कि लीस्ट काउंट कैसे बदल सकती है। आपने स्टैंडर्ड वर्नियर यूज नहीं किया, स्टैंडर्ड वर्नियर मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको, क्या स्टैंडर्ड वर्नियर में कैसा दिखता है आपको, ये स्टैंडर्ड वर्नियर मैंने दिखा दिया। लेट से आपने घर में ऐसा वर्नियर बनाया कि यहाँ पर 20 डिवीजन कर डालें, छोटे छोटे बहुत सारे कर डालें, तो उसका डिफरेंट लीस्ट काउंट आएगा। वो हम अभी चेक करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे आएगा लीस्ट काउंट। तो आज के लिए यार क्लियर है, आज का लेक्चर यहीं तक काफी है। हम क्या डिस्कस करेंगे मैं फिर से बताता हूँ, मैं ग्रुप पे शीट डालूंगा आफ्टरनून में, वो शीट में से फर्स्ट 20 क्वेश्चन यूनिट्स के नॉलेज बेस्ड है। उसके बाद डायमेंशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, सिग्निफिकेंट फिगर्स, एरर, सारी चीजों के क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। सबसे लास्ट सेक्शन रहेगा एक्सपेरिमेंटल स्किल्स का, वो आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्योंकि कल मैं एक लेक्चर के बाद और एक्सप्लेन करूंगा आपको लीस्ट काउंट और ये सारी चीजें, फिर हम वो सेक्शन ट्राई कर सकते हैं। तो कल आप बाकी सारा सेक्शन ट्राई करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करके आगे का पोर्शन डिस्कस करेंगे। किसी को कुछ डाउट हो अभी तक तो बता सकता है, Yes, sir. Bye, bye. Goodbye, everyone. Bye, sir.